अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास. नाउ टुडे वी विल डू डेफिनेशन ऑफ यूनिट नंबर 4, डेसिमल एंड परसेंटेजेस. फर्स्ट वन इज गिवन डेसिमल फ्रैक्शन. कहता है अ डेसिमल इज फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 और पावर ऑफ 10. डेसिमल हमारे पास क्या होती है, वो डेसिमल जिसे हमारे पास जो है अभी इसको पॉइंट रिमूव करके आंसर क्या आए, अभी 10 आए या जो है अभी उसकी पावर 10 हो, वो हमारे पास कहलाती है अभी डेसिमल फ्रैक्शन. जैसा यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन गिवन है 4/10, यानी अगर हम 4 को जो है 10 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.4. अगर हम जो है अभी 15 को 100 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0.15. ये हमारे पास क्या है अभी डेसिमल फ्रैक्शन, यानी जब हम अपने आंसर को जो फ्रैक्शन को जो है पॉइंट में शो करते हैं अभी, और पॉइंट को हम जो है अभी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डेसिमल कहते हैं. नेक्स्ट है टेंथ. टेंथ क्या होता है, अ टेंथ मीन्स 1/10 और 1/10. टेंथ का क्या मतलब होता है, हमारे पास टोटल जो है अभी हमने एक चीज़ के टोटल 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं, अभी हम उसमें से एक पार्ट ले रहे हैं अभी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा 1/10 कहलाएगा अभी. अगर हम अपने 1/10 को जो है अभी डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.1 आ जाएगा. नेक्स्ट है हंड्रेथ. हंड्रेथ क्या होता है अभी, हंड्रेथ मीन्स 1/100, यानी हमने अपने जो है अभी एक चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से हम उसका जो है अभी एक पार्ट या एक पोर्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है 1/100. अगर हम इसको जो है अभी डेसिमल पार्ट में शो करना चाहें डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.01. हमारे पास यहाँ पे 0.1 कैसे आएगा, हमारे पास जो है अभी ये 0.1 कैसे आएगा, अगर हम अपने जो है अभी 1 को डिवाइड करें 10 पे, हमारे पास 10 के टेप पे 1 का जो है अभी 1 नहीं आता, तो 1 से छोटा क्या आता है 10 0s are 0, 1 minus 0 1. यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और पॉइंट का हम लेंगे एक जीरो, आंसर क्या आ गया 10 1s are 10, आंसर क्या बन गया 0.1. हमारे पास जो अभी डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज थी, ऊपर क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू है अभी, तो हमने अपने जो है अभी जो न्यूमिनेटर की वैल्यूज है उसको हमने डिनोमिनेटर की वैल्यूज के इक्वल करना है अभी. हमारे पास ऊपर थी 1 वैल्यू जबकि नीचे थी 2 वैल्यू, तो हम क्या करेंगे हमारे पास अपनी वैल्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए हम उतने अपने जीरो लगाते जाएंगे भी. जब जीरो हम लगा देंगे तो वहाँ पे एंड पे हमने जो है पहले जो है भी जो जीरो होगा उस पर हमने पॉइंट पुट कर देना है. अगर 1/100 हमारे पास डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हमारे पास 100 में क्या है 3 डिजिट्स हैं भी, और न्यूमिनेटर में क्या है 1 डिजिट है, हमने जो है 3 डिजिट कंप्लीट करने हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3. हमने 3 डिजिट जो है कंप्लीट कर लिए, एक हमने लिखा 1 यानी न्यूमिनेटर का, हमारे पास जो है अभी 2 डिजिट और नहीं थे 3 कंप्लीट करने के लिए अपने फ्रैक्शन से मैच करने के लिए, तो वहाँ पर हमने क्या किया 2 जीरो लगा दिए और हमने पॉइंट लगा दिया फर्स्ट डिजिट से, फर्स्ट जो है डिजिट के बाद. ये हमारे पास जो है ईजी मेथड होता है, जब हमारे पास 10 100 1000 से हम अपने किसी भी न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं, कि हम अपने जैन न्यूमिनेटर को इक्वल करना होता है अपने जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के साथ. जितनी हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी हम उतने वैल्यूज़ बनाएंगे न्यूमिनेटर में, बाकी हम उतने जीरो लिख देंगे और पहली वैल्यू के बाद हम जो है भी पॉइंट पुट कर देंगे अगर हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे. 1000 में भी हमारे पास क्या है, एक वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4 वैल्यूज़ गिवन है अभी, हमने 4 कंप्लीट करने हैं डिजिट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट्स कंप्लीट कर दिए और पहले डिजिट के बाद हमने क्या किया यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया. नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ डेसिमल इज अ प्रोसेस टू एस्टिमेट अ पर्टिकुलर नंबर इन अ कॉन्टेक्स्ट. हम जब भी एस्टिमेट करते हैं भी हमारे पास जो है भी ये टोटल कितना होगा, उस चीज़ को हम जो है भी अपना राउंड ऑफ कहते हैं. जिस तरह आप जो है भी देखते हैं भी आपके जो परसेंटेजेस होती हैं भी पेपर्स में, जब हम आपकी परसेंटेज निकालते हैं बाजा आपको गिवन होती हैं भी 5.67.75 आपको गिवन है अभी. हमने सिर्फ जो है अभी पॉइंट से पहले वाला डिजिट है ना, हमने अपने पॉइंट को रिमूव कर देना, हमने ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, तो हमारे पास जो है अभी ये राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं अभी, अगर हमारे पास जो है अभी पॉइंट के बाद यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अगर 5 या 5 से क्या है ग्रेटर है, हमारे पास अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करते हैं इसका एक डिजिट जो है यहाँ पे प्लस कर देते हैं. जब हम 67 में एक डिजिट प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 68 बन जाएगा अभी. तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है अभी, राउंड ऑफ कहलाती है अभी. क्या है, अगर हमने जो है अभी राउंड ऑफ करना है अपनी वैल्यू को, हम पॉइंट में आंसर नहीं लिखना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो है पॉइंट में पॉइंट के फौरन बाद अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू गिवन है, तो हम उसका एक जो नंबर होता है, एक जो होता है वैल्यू, वो यहाँ ऐड कर देते हैं पॉइंट से पहले वाले डिजिट में
पॉइंट्स पहले हमें क्या गिवन था 67, जब हम 67 में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 68, तो हमारा क्या कहलाता है अभी राउंड ऑफ कहलाता है अभी, कहता है वी कैन राउंड राउंड डेसिमल टू द नियस्ट होल्स 10th और 100th, हम इसको होल में भी जो है अभी राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसा अभी हमने 68 किया, हम इसको पॉइंट में भी राउंड ऑफ कर, 10th में भी कर सकते हैं, उसको 100th में भी कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट है राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन क्या होता है अभी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह गिवन है 67.25, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम इसको यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो है अभी 5 से लेस आ रहा है, 5 से लेस मीन जो है अभी 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास चारों डिजिट क्या होते हैं 5 से लेस होते हैं, तो हम इसका जो है अभी 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसका सिंपल जो है आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा राउंड ऑफ होके 67 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया राउंडिंग डाउन, और ये जब हमने इसमें जो है नंबर एक ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 68, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा राउंडिंग अप कहलाता है अभी। क्या आफ्टर डेसिमल पॉइंट इफ द नंबर इज लेस देन 5 राउंड आउट द नंबर राउंड डाउन, अगर हमारे पास जो है अभी डेसिमल में नंबर क्या आ रहा है 5 से लेस आ रहा है तो हम उसको जो है राउंड ऑफ नहीं करते, बल्कि हमारे पास क्या आता है वही नंबर सेम आ जाता है, तो वही नंबर हमारे पास वो क्या कहलाता है राउंडिंग डाउन कहलाता है अभी। जो हमारे पास राउंडिंग अप होता है वो क्या कहलाता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज द नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 राउंड द नंबर राउंड डाउन, अगर हमारे पास जो है अभी पॉइंट के बाद नंबर 5 या 5 से ग्रेटर आ रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है राउंड अप बन जाता है, राउंडिंग अप बन जाता है अभी। लास्ट हमारे पास क्या है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, कहता है अ परसेंट मीन्स पार्ट्स पर 100, यानी जो परसेंटेज की फ्रैक्शन अगर हम अपनी शो करते हैं तो हमारे पास वो फ्रैक्शन क्या होती है अभी 1/100 होती है, यानी हम 100 पार्ट्स में से जो है अभी अपने जो है पार्ट्स ले रहे हैं, हम ये हमने एक चीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम उस 100 में से अपने पार्ट्स को शो कर रहे हैं, वो हमारा पास क्या कहलाता है अभी परसेंटेज कहलाता है अभी। क्या है अ परसेंटेज मीन्स पार्ट्स पर 100, यानी हम 100 में से अपने पार्ट्स ले रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है परसेंटेज कहलाता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन फ्रेज परसेंटम, और जो परसेंटेज का वर्ड है ये हमारे पास कहाँ से आया भी लैटिन फ्रेज परसेंटम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है पर 100 यानी 100। इन मैथमेटिक्स वी यूज द सिंबल परसेंट फॉर परसेंटेज, उसने कहा जो है भी हम मैथ्स में अपने परसेंटेज को शो करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं।